हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सपना के ऊपर, सपना चौधरी के ऊपर, स्नैपी गर्ल है जो। तो ये वीडियो ना मुझे काफ़ी दिन से बनानी थी, लेकिन मैं स्किप किए जा रही थी। मैंने आपको बताया ना यार, बहुत सारी वीडियोस लाइनअप हो जाती है, तो ये वीडियो स्किप हो जा रही थी। तो मैं सपना के ऊपर बात कर रही थी। पिछले दिनों सपना की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, जैसा कि आपको पता है उसने वो घर छोड़ा है, वो कहीं और जाके शिफ्ट हुई है, गाँव वगैरह में उसको कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हुए हैं, बहुत सारी ट्रोलिंग भी हुई है, और अंशु के साथ भी रिश्ते ख़राब होते हुए नज़र आए हैं, शिवी के साथ भी रिलेशन बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आया है। क्योंकि जब वो आई उस घर को छोड़ते हुए, तो वो शिवी से नहीं मिली। शिवी के दो तीन वीडियोज़ आई हैं, मैंने एक आधी वीडियो देखी, बट मतलब कि इनडायरेक्टली बहुत सारे ताने दिए जा रहे हैं। अब वो किसको ताने दिए जा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इनडायरेक्टली बात की जा रही है, डायरेक्ट सपना का नाम नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि वीडियो सपना के लिए बनाए गए हैं नहीं बनाए गए, लेकिन चल बहुत कुछ रहा है इस दरमियान, तो हम सब बात करेंगे। सपना का भाई जो सब कुछ शुरू होता है ना, वो उस वक्त से शुरू होता है जब वो गाड़ी लेती है। जब वो गाड़ी लेती है ना, तब से मैंने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उसकी देखी है कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी लेने के पैसे थे। और रिसेंट दिनों जब आपको पता है ये सामान लेने के लिए जाती है, तो ये कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक वॉशिंग मशीन परचेज कर सकूँ, और ये कहकर ये चली जाती है। अब या तो वो झूठता है, या जो गाड़ी ली जाती है वो झूठता। अब कुछ तो झूठता है ना, कि मतलब कि कुछ तो ऐसा था जो कि लोगों को खटका। तो देखो, जो आपको देख रहा है ना, अब लोग आपको सिंपैथी में देख रहे हैं, सिंपैथी आपको दे रहे हैं, लेकिन वो सवाल करने का तो हक रखेंगे ना आपसे, कि आप कुछ दिन पहले बोलती हो कि मेरे पास वॉशिंग मशीन लेने को भी पैसे नहीं है, और उसी टाइम आप जाके कुछ ही दिन बाद आपकी गाड़ी परचेज हो जाती है। अच्छा, ये गाड़ी वाली वीडियोज़ पर भी बहुत बातें हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बात ये थी कि गाड़ी वाली वीडियो 1 महीना पुरानी है, या ये कहा जा रहा था कि कम से कम भी 15-20 दिन, या आप कह लो 25 दिन पुरानी है। यानी ये जब इस घर में शिफ्ट हुई है, जब ये नए घर में शिफ्ट हुई, उसके कुछ ही दिन बाद इसने गाड़ी जो है वो बुक करवा ली थी। तो अगर इसने गाड़ी बुक करवाई थी, आपको याद होगा कि इसने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें उसके ससुराल वालों ने स्कूटी ले ली थी ना, इससे स्कूटी इसको दे दी थी, और उसके बाद नई स्कूटी ले ली थी। और इसने कहा था कि देखो ये कितने ज़्यादा खुश हो गए हैं, और उनको तो बिल्कुल भी गम नहीं है। और उसने एक तरीके से समझ लो गालियाँ ही पड़ी थी इसको ससुराल वालों को, क्योंकि नीचे कमेंट्स में इंतहा से ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी कि कैसे लोग हैं बहू को दर दर की ठोकरें खिलवा रहे हैं और खुद तो खुशियाँ मना रहे हैं, स्कूटी फ़ौरन इसको जताने के लिए ले ली है, और ये सारी बातें। और इवन मुझे भी ये फील हुआ था कि शायद स्कूटी इसी को जताने के लिए ली गई, और बहुत सारी बातें थी। और दूसरी तरफ ये भी हुआ था कि शायद वो उस वक्त नीड है उनको स्कूटी की ना, तो इस वजह से उन्होंने वो ली हो। लेकिन खैर, पड़ी उनको ज़्यादातर गालियाँ, मेजर आपका मेजोरिटी देख लो ना, मेजोरिटी में उनको पड़ी गालियाँ ही थी कि यार कैसे ससुराल वाले हैं। और उसी दरमियान अगर आप 1 हफ्ते बाद अगर ये गाड़ी परचेज कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो फिर यही है ना, कि जब आप एक तरफ अपने ससुराल वालों को गालियाँ उसी चीज़ पे दिलवा रही हो, और दूसरी तरफ आप इनसे ऊपर की चीज़ कर रही हो, तो फिर आप ट्रोल होगी ही होगी। अब मैंने ना एक चीज़ देखी है कि इसको लग रहा है कि शायद इसके जो व्लॉग्स है ना, वो सिंपैथी की वजह से ज़्यादा चल रहे हैं। देखो, लोगों को सिंपैथी से है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो हुआ है, मैं अभी भी कह रही हूँ, वो गलत हुआ है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और मैं कोई ट्रोलिंग नहीं कह रही हूँ, मैं अभी भी बता रही हूँ, मैं जस्ट फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया मैं उस पर बात। तो उसकी गाड़ी खरीदने के बाद काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये कौन सा ड्रामा है, आप वो कमेंट्स पर जाकर रीड कर सकते हो, जहाँ पर आपको कमेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग कह रहे होंगे, कमेंट्स आपको नज़र आएंगे कि लोगों ने कहा है कि आपने झूठ बोला है, आपके पास वॉशिंग मशीन लेने को पैसे नहीं थे और आपने गाड़ी बुक करवा ली। देखो, गाड़ी के लिए इसने डाउन पेमेंट ज़रूर दी है, लेकिन इसने गाड़ी जो है वो EMI पे ली है। यानी और मैंने ना ये बात अपने पुराने व्लॉग में भी कही थी, अपनी पुरानी पॉडकास्ट में भी कही थी, कि ये यूट्यूब से अगर एक वीडियो भी अपलोड कर रही है 7-8 लाख की व्यूज़ ले रही है, कभी कभी तो 10 लाख भी व्यूज़ ले लेती है, यानी 1 मिलियन भी उसकी वीडियोज़ पर व्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको यूट्यूब से अर्निंग नहीं मिल रही है, उसको यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि जब आपके पास अर्निंग है, जब आपको पता है कि आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग या आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, फिर क्यों आपने जो है वो ऑडियंस के साथ झूठ बोलना प्रेफर किया कि मेरे पास तो वॉशिंग मशीन लेने के भी पैसे नहीं है। देखो, झूठ नहीं बोलो, आपका झूठ कहीं ना कहीं से पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि आप यूट्यूब पर डेली व्लॉगिंग कर रहे हो, तो डेली व्लॉगिंग में आपका झूठ किसी ना किसी तरीके से हत्ते लग ही जाता है कि यार ये झूठ बोला गया। फिर क्या होता है कि आपका ऑडियंस पर से भरोसा उड़ जाता है, ऑडियंस का भरोसा उड़ जाता है आप पे से, और फिर जो आपको एक अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, आपको एक अच्छी रीच मिली हुई, वो कहीं ना कहीं डाउन होने शुरू होती कि यार इसको तो सिंपैथी लेनी है, इसको तो रोने धोने करने के ड्रामा। क्योंकि कुछ भी इसकी ज़िंदगी में होता है, आई एग्री, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी होगा ना, इसको एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा भारी लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें उसने पहले उसने झेली है ज़िंदगी के अंदर, उसके बाद ना इंसान कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए एक नॉर्मल, हमारे लिए शायद वो नॉर्मल चीज़ होगी कि यार यही तो था, एक घर चेंज करना हमारे लिए एक नॉर्मल, सबके लिए नॉर्मल है कि ठीक है यार, उधर उसको मुश्किलात आ रही थी, उधर उसको सेफ्टी उसकी मसला हुआ,
एक नॉर्मल तरीके से घर चेंज कर लिया गया, लेकिन इसके लिए बहुत भारी है उसको। देखो भारी लगना शुरू हुआ, उसने आके बोलना शुरू कर दिया कि अपना घर होते हुए भी मुझे दर बदर भटकना पड़ रहा है। तो इनको ये लोगों को ये लग रहा है कि ये अपनी सास ससुर को गालियाँ पढ़वाने के लिए कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसकी स्थिति देखो या आप उसको देखो कि वो किस जगह पर है, तो वो ना शायद फेडअप हो चुकी है अपनी ज़िंदगी से। बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान जब उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ जाए ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो शौहर के बगैर ज़िंदगी आसान नहीं होती है। हम मैं ये नहीं कि हाँ शौहर के औरत कमज़ोर है ये बात नहीं है, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं इस माशरे का हमें पता है कि मर्द का माशरा। आज जब इसके घर में मर्द होता तो ये जो सिक्योरिटी रीजंस हुए जिसकी वजह से इसका एड्रेस लीक हुआ, इसकी बातें भी लीक हो रही थी, पता है इसने गाड़ी ली है ना, ये अगर आप कमेंट सेक्शन जाके रीड करो तो वहाँ पर है कि इसने गाड़ी तो एक महीने पहले ले ली है, इसकी गाड़ी के व्लॉग आने से पहले ही इसकी चीज़ लीक हो गई थी कि इसने गाड़ी ली है। तो सोचो कि कॉन्टेक्स्ट तो है, लोग इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अब इसके घर का एड्रेस कुछ इसने गली वगैरह कुछ दिखा दी थी जिसके बाद इसका एड्रेस जो है वो रिवील हो गया था, और उसके बाद ही कुछ लोगों ने आई थिंक सो कुछ उसकी बालकनी वगैरह पर कुछ पत्थर वत्थर भी कुछ इशू हुए थे, मारे थे। तो यही सीन होता है ना कि जहाँ एक मर्द ना हो ना वहाँ पर यही सी सारी चीज़ें होती है। मर्द का होना इसीलिए ज़रूरी। आप क्या क्यों कहते हैं कि एक मर्द के साथ ना आप खुद को सिक्योर महसूस करते हो? एक अगर आपका शौहर अगर आपके ऊपर सड़क पर आपके सलामत है ना, तो आप अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हो। तो इसलिए नहीं कि औरत कमज़ोर है यार, मैं बोलती हूँ शायद औरतें ज़्यादा सर्वाइव कर जाती हैं। मर्द की तो शायद एक बड़ी उम्र में अगर बीवी चली जाए तो वो फिर भी दूसरी शादी का सोचता है, लेकिन आप औरतें देख लो बहुत कम, तकरीबन 100 में से कुछ आप कह लो 20-30% शादियों पे जाती है दूसरी, वरना अदरवाइज वो बच्चों के नाम पे ज़िंदगी गुजार लेती है, वो माँ और बाप दोनों बन के पाल के ज़िंदगी गुजार लेती है। और कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो गुजार लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्द को दूसरी शादी की नीड पड़ती ही पड़ती है। तो ये नहीं है कि औरत, मैं आपको कह रही हूँ कि कमज़ोर है, औरत बहुत मजबूत है, लेकिन ये माशरा मर्द का है, इसी वजह से उसको एक मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। एक मर्द अगर जिस घर में पता चल जाए ना इस घर में मर्द नहीं है, उस घर में 1000 लोग नज़रें गाड़ के बैठ जाते हैं, और ये हकीकत है। और नहीं, आप अपने आप को कितना, कोई पड़ोसी हो गया कोई दोस्त हो गया आपको कितना सेफ्टी जोन दे सकता है? अब वो सेफ्टी जोन के लिए अपने घर वालों के पास चले गए कि यार मेरे घर वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी वजह से। अब काफ़ी लोग ने ये भी कमेंट किए थे कि तुम्हारे माँ बाप पहले तो तुम्हारे लिए बहुत बुरे थे, अब वो तुम्हारे लिए अच्छे हो गए। जब राजवीर की डेथ हुई थी तब उन्होंने केक वगैरह काटे थे, तुम वो चीज़ भूल गई। तो मुझे बताओ अगर ये चीज़ नहीं भूली जाएगी, अगर ये बातें दिल में रख के बैठ दी जाएंगी, तो आप मूव ऑन कैसे करोगे ज़िंदगी में? और यही चीज़ इस पर लागू होती है। उसको कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग उसको बोल रहे हैं ना कि इसको तो आज़ादी चाहिए थी, इसको तो यही सब चाहिए था, इसको तो घूमना फिरना चाहिए था, इसीलिए तो ये वहाँ से निकली है। देखो राजवीर की डेथ को भी 1 साल होने को आ गया है, सही है, 1 साल आई थिंक सो हो गया है राजवीर की डेथ को भी। तो उसके दरमियान उसने, ऐसा नहीं है कि उसने फ़ौरन ही निकलने की ट्राई की, उसने उस घर में सर्वाइव करने की ट्राई की, लेकिन मैं आपको बताऊँ सर्वाइव करना ईजी नहीं होगा, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी ताने मिलते हैं, आपको ना चाहते हुए भी बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उनका भी दुख कम नहीं है, उनको भी कोई कम दुख नहीं मिला, उन्होंने भी अपने दो दो जवान बेटे खोए। तो जाहिर सी बात है वो उस बहू को देखते हैं, वो बच्चे देखते हैं, तो उनका भी दिल अंदर से तलमिलाता है कि यार हमारे दो बच्चे चले गए। वो कहीं ना कहीं कसूरवार इसी को समझते होंगे कि इसी की वजह से हमारे दो बच्चे चले गए, इसकी ही कुंडली ख़राब थी, या आप कह लो कि यही अपशगुन थी, इस तरीके की बातें उसको नॉर्मली सुनने को मिलती होंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती होंगी, क्योंकि उन्होंने भी दो बच्चे खोए, उससे ना मिले, सास ससुर से ना मिले, तो आस पड़ोस से तो मिलती ही होगी। आस पड़ोस वाले आकर, भाई होती हैं औरतें ना आस पड़ोस वाली जो आके आग लगा के जाती हैं कि ये देखो तुम्हारी बहू कितने जो है वो अपशगुन कदम है, और ये तो बातें बैठती हैं दिमाग में, ये रियलिटी है, इस पर बात करनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हाँ सपना को झूठ अपनी ऑडियंस से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो लोग उसकी सिंपति पे बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा सिंपति कर रही है, ये बहुत ज़्यादा सिंपति इसने स्टार्ट कर दी है लेना, उसको लग रहा है कि शायद मैं सिंपति की वीडियोस बनाऊंगी तो वो चलेंगी, कहीं ना कहीं वो सच है भी कि सिंपति की वीडियो उसकी चल रही है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। उसको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अगर वो इतनी ज़्यादा डाउन है तो उसको अपने आप को एक मजबूत की लेवल पे लेकर आना होगा, अपने आप को एक मजबूत औरत बनाना होगा। आयरन लेडी वो ज़रूर है, नहीं बन सकती भाई, नहीं आसान। दो दो मरतबा उसने ये गम सोचा, हम तो शायद एक मरतबा भी हम और आप नहीं सोच सकते हैं। वो जिस पहाड़ गमों के पहाड़ से निकली है वो दो मरतबा निकली है। तो उसके लिए ज़िंदगी ना अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, उसको हर चीज़ से भरोसा उड़ गया है। वो रिश्ते में अब वो रिश्तों से डरना शुरू हो गई है, उसको बोल रहे हैं कि ये रिश्तों के मामले में अजीब हो गई है, सबसे रिश्ते तोड़ रही है, अकेले रहना शुरू कर दिया,
तरीके से अकेले हो जाएगी। इसको तो लखन जब से मिल गया, मैंने ऐसे भी कमेंट किया था कि लखन की जब से लखन के घर आना जाना शुरू हो गया है तो उसने शिवी से दोस्ती छोड़ ली, क्योंकि जब ये लास्ट टाइम आई है ना उस घर से तो ना उसने शिवी को दिखाया ना वो मिल के आई है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। क्योंकि उसके व्लॉग में शिवी नज़र नहीं आया और शिवी भी दो तीन दिन से कुछ ऐसे व्लॉग्स अपलोड कर रही है जिससे लोगों को लग रहा है कि शायद इनके दरमियान बहुत कुछ गलत हो गया। क्योंकि जब ये इस घर में शिफ्ट हुई थी तो हमको पता है कि शिवी ने बहुत साथ दिया था, ये घर ढूंढने से लेकर उसको बसाने तक, उसको शॉपिंग करवाने तक, फर्स्ट ग्रोसरी भी आई थिंक क्या उसने जो ना वो शिवी की गाड़ी में ही जाके की थी, तो शिवी ने बहुत साथ दिया था। तो लोगों को कहना है कि ये मतलबी हो चुकी है, सबको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रही है। यार इंसान ना टूट जाता है, उसको हर कोई गलत लगना शुरू हो जाता है। कभी हम दरअसल ना बैठ के स्क्रीन के बाहर बैठ के जज कर रहे हैं ना, तो हमें शायद जज करना आसान हो जाता है। हम बोलते हैं यार क्या नौटंकी है, ये क्या ड्रामा कर रही है, सीरियसली हम यही बोल रहे होते हैं। बट जिस पर गुजरी है ना उसको पता है कि उसने क्या सहा है, वो जब उसने बहुत सारी चीज़ें एक साथ सह ली होती है ना तो वो कहीं ना कहीं पत्थर बन जाता है, वो रिश्तों से ला ताल्लुक इख्तियार करना शुरू कर देता है। उसको लगता है यार ये तो सारे रिश्ते मतलब ही है, तो सब मुझे मतलब हैं, मेरे लिए कोई रिश्ता बना ही नहीं है। उसका रिश्तों से भरोसा उड़ जाता है, सीरियसली उसका रिश्तों से भरोसा उठता है। आप जिसको भी ऊपर वाले को मानते हो आपका उससे भरोसा उड़ जाता है, आपको उससे नाराज़गी हो जाती है। आप कहते हो कि नहीं यार हमारी ये ज़िंदगी में क्यों, मैं ही क्यों, आप ही सवाल करना शुरू कर देते हो कि मैं ही क्यों, क्यों मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। कोई भी इंसान देखो, सब इंसान के ऊपर जिसके भी कोई दुख है ना उसके लिए वो दुख सबसे बड़ा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार तुमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े दुख हैं, तुम्हारे अलावा भी दुनिया में और बहुत ज़्यादा दुखी हैं जिनको देखो। ठीक है आप देखो शायद आपको हिम्मत मिले, लेकिन किसी के दुख को आप कम से कम वो तो ना करो कि तुम्हारा दुख कम है, यानी आप नंबर्स दे रहे हो कि तुम्हारा दुख कम है, तुम्हारा दुख तो इतना है, उसका दुख इतना बड़ा है। लेकिन जिसके ऊपर जो दुख है ना वो उसके लिए सबसे बड़ा दुख है, उसके लिए वो दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। तो ये एक तरीका है, मुझे हमेशा इस चीज़ को होता है कि हम बोलते हैं कि यार ये तो इतनी सी तो बात है, इस पर क्यों इतना बवाल है, लेकिन वो जिस पर गुजर रही है ना वो उसके लिए 1000 times बहुत बड़ी चीज़ है। यानी वो उसने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि वो इस चीज़ों से भी गुजरेगा कभी, तो उसके ऊपर तो भाई फिर कयामत गुजरी है एक तरीके से आप सोच लो। तो वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव होना, उसका रिश्तों से फिर जाना गलत है। मैं मान रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि वो थोड़ा बहुत गलती, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी जगह पर वो रिश्तों को लेके गलतियाँ शुरू कर दी उसने। लेकिन अगर आप उसकी सिचुएशन देखो ना तो वो सिचुएशन में जो ये फैसले कर रही है ना वो गलत नहीं है, क्योंकि उसकी सिचुएशन में रिश्तों से भरोसा उठ जाना कहीं ना कहीं राइट है। लेकिन उस चक्कर में ये क्या कर रही है कि ये जो मुखलिस रिश्ते भी है ना ये उसको भी खो रही है। उसको नहीं समझ में आ रहा कौन मुखलिस है, कौन मेरे साथ फेक है, कौन मुझे नुकसान पहुँचाएगा। उसको लग रहा है कि नहीं यार सब मेरे लिए, सब मुझे यूज़ करने के लिए बैठे, मेरे साथ कोई भी सिंसियर नहीं है, मेरे साथ कोई भी जो है वो सिंसियरिटी के साथ रह ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को आगे जाके रियलाइज़ करेगी। और मुझे पता है कि चीज़ें इसके जो उसने ससुराल वालों के साथ भी मामलात किए ना वो भी कहीं ना कहीं उसने थक के किए हैं, बहुत ज़्यादा थकन के बाद उसने किए। लेकिन कुछ साल गुजरेंगे, ये कुछ महीनों की स्टोरी नहीं है, उसको हील होने में कुछ साल लगेंगे। जब वो कुछ साल बाद जब उसकी गम हील होंगे, जब उसकी बच्चियाँ उसको खड़ी होंगी, अभी वो टेंशन में है। जाहिर सी बात है देखो घर, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो उसने घर लिया ये भी इसने खरीद लिया। अब पता नहीं क्या सच है, कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हाँ यूट्यूब की पेमेंट उसको अच्छी खासी मिलती है। लेकिन देखो आप यूट्यूब पर ना रिलायबल नहीं हो सकते कि यार यूट्यूब ही रिलाय है, अब हम यूट्यूब के जरिए ही पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि ये हवाई रोज़ी है। कितना टाइम चले, कितना टाइम बंद हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है, कभी पेमेंट नहीं आए, कभी कुछ इशू हो जाए। तो ये आपका एक इनकम सोर्स ज़रूर है, लेकिन ये एक मजबूत इनकम सोर्स नहीं है। आप इस पे घर खड़ा कर लिया, गाड़ी खड़ी कर ली, सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि यार आएगा ही आएगा, जैसे जॉब का होता है कि यार इस महीने ये पेमेंट आएगी आएगी, यहाँ पर कुछ पक्का नहीं है। कभी किस पेमेंट व्यूज़ नहीं आए, कभी किस मंथ व्यूज़ नहीं आए, तो आपकी पेमेंट कम भी हो जाएगी। अब जॉब का क्या होता है कि जॉब में आपको पता होता है कितनी पेमेंट आएगी। मैं ये बिल्कुल भी ना मैं जॉब को आसान कह रही हूँ और ना ही मैं यूट्यूब को आसान कह रही हूँ, दोनों ने अपनी जगह, दोनों के काम जो है वो अपनी जगह हार्ड वर्किंग रखते हैं। लेकिन जॉब में क्या होता है कि आपको इतनी स्पेसिफिक अमाउंट पता होती है, भले वो कम होती है लेकिन आपको पता होती है, आपका जो बजट है वो उसी स्पेसिफिक अमाउंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब यूट्यूब का ये सीन नहीं है, यूट्यूब आपको कभी किस महीने आपके व्यूज़ पर पैसे देता है, आपके RPM पर चल रही होती हैं चीज़ें, आपके CPM पर काउंट हो रही होती हैं चीज़ें, तो आपको नहीं आइडिया होता कि आपको इस मंथ कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, जब तक वो मंथ पूरा गुजरता नहीं है। तो उसके लिए भी देखो इस वक्त टेंशन का बायस है, वो भी दो दो बेटियां लेके बैठी है। उन बेटियों को अभी तो उसने ज़िंदगियां बेटियों में तो शुरू की हैं, अभी तो समझो उन्होंने आँखें खोली हैं, अभी तो उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनको काबिल बनाना है, उसको खुद सर्वाइव करना है ज़िंदगी में, और उसके बाद उनकी शादियाँ करनी है। एक माँ के पास जब बेटी पैदा होती है ना तो वो सीरियसली उसकी शादी तक का वक्त सोच लेती है। कहते ना कि एक बेटी के बाद माँ ना ज़्यादा सेविंग करना शुरू कर देती है।
हम शायद उसकी जगह पर एक थोड़ी देर अपने आप को रख के तो सोचे कि हम उसकी जगह हैं, हमारे सर से दो बार इस तरीके से हो गया है, हमारे साथ इतना बुरा, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे यार, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, एक चीज़ हमारे साथ इतनी दो बार यानी हमारे साथ बुरी हो गई, हमारे पास सिर्फ तनहना दो बेटियाँ हैं जिन्होंने अभी ज़िंदगी में आँखें खोली, हमारे पास एक कहने को सिर्फ यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के हम भरोसे बस ज़िंदगी गुजारने को लगे हैं, क्या हमारे लिए वो गम आसान होगा, क्या हम हर चीज़ को इतना लाइट वे में ले सकेंगे, हम एक छोटी सी चीज़ को भी ना, एक छोटे से सुई को भी इधर से उधर ना लाइट वे में नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक चुके होंगे, इतना ज़्यादा हमारे अंदर हमारा जो जहन है ना वो थक चुका होगा कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे कोई छोटी सी छोटी चीज़ को भी, हम ट्रिपल किस्म का रिएक्शन देंगे। और वही काम सपना करती हुई नज़र आ रही है, वो बहुत भयंकर रिएक्शन दे रही है, शायद बातें इतनी बड़ी नहीं होंगी जितना रिएक्शन सपना की तरफ से मिलता है, लेकिन वो मैं कह रही हूँ ना कि वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे राइट है, उसको रियलाइज होगा लेकिन अभी नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम उसकी चीज़ें सही होंगी, उसको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको मोटिवेट करेंगे, जो उसको ज़िंदगी में वापसी लेके आएंगे कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हारी ज़िंदगी अभी आगे पूरी पड़ी है, तुम्हारी बच्चियों के सहारे, और अगर कल को कोई इंसान भी उसको मिलता है तो मुझे ना, मैं हमेशा कह रही हूँ देखो, अभी ये जो लोग सिंपैथी दे रहे हैं ना, कल को अगर ये तीसरी शादी अनाउंस करती है देखना ये सारे कल से पलटा मारेंगे। बस औरत को कहते हैं कि औरत जब तक सिंपैथी ले रही है, जब तक रोने धोने कर रही है, तो ही जो है हम उसको सिंपैथी दें और हम उसका साथ दें, जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला ले, देखना सारे बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ ये तो हुई इसीलिए लगती ना, इसको करनी तीसरी शादी थी, सब सही बोल रहे थे। और ये भी प्रेशर है, अगर ये कभी तीसरी शादी का सोचेगी भी ना तो उसको पता होगा कि ये तो मेरे लिए प्रेशर है, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैं ट्रोल हो जाऊँगी, यूट्यूब पर तो लोग मेरे लिए आज जितने भी लोग इसको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ना, चाहे वो पॉडकास्टर्स हों कोई भी हो, कल को ये तीसरी शादी अनाउंस कर दे, देखना सब कैसे पलटते हैं, आप देख लेना। मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी नेहा का सीन भी हुआ है, हालांकि नेहा का सीन मैं काफ़ी टाइम से, नेहा आशीष तिवारी की मैंने बात की थी, तो उसका काफ़ी टाइम से वो ट्रोलिंग थोड़ा बहुत हो रही थी, क्योंकि वो जो लड़का है जो उसका दोस्त वगैरह है, जो भी है भाई, जो मुंह बोला भाई बना, वो उसके साथ उसके कुछ रिलेशन की कुछ कहानियाँ चली हुई हैं जो कि मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स ने बताई थी। लेकिन एक ट्रोलिंग का हाइप कब मिली, जब उसने अपनी शादी अनाउंस की, तब उसको हाइप मिल गई कि हाँ यार ये तो भूल गई, ये तो ऐसी हो गई। तो ये है, ये हम में है, ये जैसे ही अगर सपना भी इस जगह पर आएगी ना कल को, तो हम सारे बदल जाएंगे, हम सारे उसको ट्रोल करना शुरू कर देंगे कि ये तो हुई इसीलिए लगती, इसने तो सास ससुर का पल्लू जोहन से छुड़वाया इसीलिए, तो सारे इसको सास ससुर को संपत्ति देना शुरू कर देंगे। आज जितने लोग गालियां दे रहे हैं ना, मैं लिख के ले लो, आप स्क्रीनशॉट रख लो, कल को खाली वो अनाउंस कर दे अपनी तीसरी शादी, देख लेना सारे कैसे पलटी मारेंगे, सारे लिखेंगे हाँ इसने तो किया इसीलिए था, ये तो थी ऐसी। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं, ये सब मुश्किल हैं, बगैर शौहर के ज़िंदगी गुजारना, उसमें लोगों का उसके ऊपर हमला करना। भाई मैं कहती हूँ आप ना अपने मतलब कि ये सेफ्टी ना सबसे पहले देखो अपनी, मतलब कि आप अपने घर के एड्रेस को कोशिश करो कि वो कहीं से रिवील ना हो, कोई गलियां या कोई ऐसी दुकानें, स्पेसिफिक दुकानें ना दिख जाए जिसकी वजह से आपका घर जो है ना वो शो हो जाए, तो पता चल जाए कि यार इसके सामने इसकी गैलरी पड़ती है या बालकनी पड़ती है या विंडो पड़ती है। तो इस तरीके से आप जो चाहे आप हस्बैंड के साथ व्लॉगिंग कर रहे हो या हस्बैंड के बगैर व्लॉगिंग कर रहे हो, ट्राई करो कि अपनी सेफ्टी पहले देखो, अपने आसपास के एरिया को डिस्क्लोज ना करो, शहर डिस्क्लोज कर दो, बहुत बड़ा शहर है, इतना आसान नहीं होगा ढूंढना, लेकिन आप अपनी सेफ्टी सबसे पहले देखो। और कहीं ना कहीं ये गलती जो है वो कर दी इसने, उसकी गलियां वगैरह नज़र आ गई, दुकानें नज़र आ गई, जिसकी वजह से सपना की सेफ्टी जो है वो ख़राब हुई और लोगों ने उस पर एक तरीके से अटैक करना शुरू। मैं बोल रही हूँ ना, ये चील कवो का दौर है भाई, यहाँ अकेली औरत को देख के ना झपटा मारने वाले हज़ारों लोग मिलेंगे, और कुछ तो अपने ही होंगे, कुछ तो कहते हैं ना कि हमने आस्तीनों में ही सांप छुपाए हुए होंगे, और ये फैक्ट है भाई, फैक्ट है। रियलिटी पे बात करते हैं हम, हो सकता है कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि तुम सपना की चौकीदारी कर रही हो या तुम सपना की चापलूसी कर रही हो, भाई चापलूसी नहीं कर रही, मैं सीरियसली मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन पे बात कर रही हूँ। दुनिया देखी है, बहुत देखी है यार, सीरियसली बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग देखे, तो आपको पता होता है कि कोई इंसान किसी की बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं लोगों को देख के फौरन समझ जाती हूँ कि हाँ मुझे पता है सामने वाला बंदा कैसा है, लेकिन जितना भी होता है मैं समझ के आपको बताती हूँ, होप सो कि आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं। अच्छा रिसेंट ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी दलजीत कौर वाली, पता नहीं उस पर पॉइंट्स मेरे क्लियर समझ नहीं आए क्या हुआ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं शायद उसको ट्रोल कर रही हूँ, और मैं ये बता रही हूँ कि वो इतनी वो क्यों ड्रामा कर रही है, वो हील क्यों नहीं हो पा रही है। मैंने अपनी वीडियो में साफ कहा है कि औरत ज़्यादा इमोशनली फूल होती है, उसको निकलने में ना इन सब चीज़ों में मूव ऑन होने में टाइम लगता है, औरत नहीं मूव ऑन कर पाती इतनी जल्दी, तो ये मैंने सब कुछ कहा है। और मैं उधर भी उस वीडियो में भी कहा है कि मैं दलजीत को ट्रोल नहीं कर रही, हाँ दलजीत की जो मिस्टेक्स है उस पर हमने ज़रूर बात की है,
लेकिन ट्रोल नहीं किया है। ट्रोल करने का मतलब ये होता है कि मैं तो उसकी हर बात को नेगेटिव वे में ले जाती, किसने ऐसा क्यों बोला, क्या ये बच्ची थी, क्या ये था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब औरत पर आंखों प्यार की पट्टी बनती है, जब उसको किसी चीज़ की पट्टी बांध दी जाती है ना, वो अंधी हो जाती है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता, उसको लगता है हाँ सब कुछ ओके ओके, औरत बहुत बड़ी इमोशनली फूल है, सीरियसली बहुत बड़ी। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से होगा, लेकिन यार ये सच्चाई है, औरत इमोशंस में बहुत जल्दी बह जाती है, बहुत जल्दी, इतनी स्ट्रांग है और इतनी ही इस मामले में जो है ना वो इमोशनली आप उसको तोड़ सकते हो भाई। आप उसको शायद फिजिकली तोड़ने में घंटों लगाओगे, सालों लगाओगे, आप उसको फिजिकल मार मारो वो बर्दाश्त करती रहेगी करती रहेगी, वो पता है कहाँ टूटेगी, एक इमोशनली तौर पर टूट जाएगी। जब आप उसको इमोशनली मार मारना शुरू करोगे ना, जो औरत फिजिकली आपसे शायद 4 साल बाद जाके टूटने वाली है ना, वो इमोशनली मार आपसे साल बाद ही ढह जाएगी। इमोशनली मार बहुत खतरनाक होती है और वो औरत को बहुत जल्दी फील होती है, और औरत बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, वो रोना धोना शुरू कर देती है, उसके आंसू फौरन आ जाएंगे, वो किसी को रोता देगी तो भरोसा कर लेगी। तो इमोशनली फूल मैंने उस वे में कहा है, किसी और वे में ना ले जाना, क्योंकि काफ़ी लोग ना दूसरी वे में बात ले जाते हैं। तो इसीलिए मुझे होता है कि नहीं यार, मैं क्लियर करूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं किसी भी किस्म का जो है वो गलत चीज़ें जो है वो मैं नहीं जाने देती चैनल से, मेरी कोशिश होती है, लेकिन कभी कभार इंसान यार हो जाती है गलती। रिसेंट मैंने बताया था ना कि मैं कुछ चली गई थी जोन में, अलग ही जोन में चली गई थी, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो एक अलग वे में जाके दुनिया को देख रही थी, लेकिन खैर एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन अब खैर मैंने अपने आप को सुधार लिया, अब आप लोग को मेरी वीडियोज़ में दिखती होंगी दोनों वेज। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खैर कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपकी पूरी की पूरी राय क्या है, सपना को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उसकी पूरी जर्नी देख रहे हैं। मुझे वाकई वो कहीं ना कहीं यार बहुत मजलूम लग रही है, सीरियसली मुझे देख कर ना बहुत दुख होता है। ये जो सिंगल मदर्स होती है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है आसान नहीं होता है उनको बच्चा पालना, जिंदगी उनके लिए शायद एक नॉर्मल औरत से ना 100 गुना ज़्यादा जो है ना वो अजाब वाली बन जाती है। बहुत मुश्किल होता है औरत का सर्वाइव करना, एक अकेली औरत का भी 2 बेटियों के साथ। तो खैर काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत करेंगे, लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या मुश्किलात होंगी, और ख़ास करके जो अकेली लेडीज़ होंगी, जो सिंगल मदर्स होंगी, उनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है झेलना ज़िंदगी को। खैर राय मुझे लाजमी शेयर करना कमेंट बॉक्स में, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।